पहाड़ों पर कुदरत की मार। दरक रहे पहाड़, जाम हो रहे रास्ते, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की मार। मसूरी के कैंपटी फॉल का ये रौद्र रूप दिखा रहा है कि इन दिनों उत्तराखंड में बारिश ने क्या हाल कर रखा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल में अचानक पानी बढ़ गया। वक्त रहते पुलिस को यहां से करीब 200 सैलानियों को आनंद फानंद में निकालना पड़ा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग भी सहम गए। 4 बजे अचानक पानी बढ़ गया और फिर सैलानियों को रेस्क्यू करना पड़ा। पूरे उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें चमोली के पागल नाले की हैं। एक बार फिर यह नाला उफान पर है। हाल यह है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो चुका है और रास्ते के दोनों तरफ कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हैं। रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। जोशीमठ से चमोली या ऋषिकेश जाने वाले लोगों के साथ सेना के वाहन और एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई है। लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे पर सफर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग का है। बारिश से रुद्रप्रयाग जनपद की एक दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे से लेकर बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ग्रामीण सड़कों की भी हालत बारिश और भूस्खलन से खराब है। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। एक और पहाड़ी सूबा हिमाचल भी लैंडस्लाइड की मार झेल रहा है। किन्नौर में बदहाल से आगे पहाड़ी से नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। इसके बाद किन्नौर और स्पीति के लिए ट्रैफिक बंद हो गया है। जूरी के समीप भी फिर से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ों में इस बार लैंडस्लाइड ने काफी मुश्किलें पैदा की हैं और अभी कुछ और दिन आफत जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।